हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला कार ब्लॉग, कार के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कार के बारे में। वैसे तो मेरा चैनल है नहीं कार ब्लॉग वगैरह, वैसे तो ट्रैवलिंग वगैरह इन सब चीज़ के लिए मैंने चैनल बनाया है, बट कार का मेरे को बनाना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप न्यू कार लेते हैं, सॉरी न्यू नहीं सेकेंड हैंड कार लेते हैं, तो उसके लिए अगर आपने टायर डलवाने अपनी कार में, मैं उसके ऊपर आज वीडियो बनाने वाला हूँ। और वीडियो मेनली इस पे होने वाली भाई कार का जो टायर है उसकी प्रोफाइल क्या डलवाएं या उसका टायर साइज़ क्या डलवाएं, मैंने क्या गलती करी, आप वो गलती मत करना। फूल दिखने के लिए, सिर्फ फूल दिखने के लिए वो गलती मत करना, उसके ऊपर आज पूरा ब्लॉग होने वाला है। तो नॉर्मली लोग जो हैं अपनी कार में टायर तब डलवाते हैं कि भाई या तो वो घिस चुके हैं पूरे, या सेकेंड हैंड अगर कार लिया तो वो टायर बिल्कुल ख़त्म है, या टायर फट गया, कोई भी इशू हो गया, कुछ भी लगा लो उसके लिए टायर बदलवाते हैं। बट हमें होता है ना, एक दोस्त होता है हमारा कोई, कि थोड़े से अच्छे टायर डलवा, बढ़िया थोड़े से हल्के से चौड़े टायर डलवा, थोड़ा अच्छा लगेगा, रोड प्रेजेंस बढ़ेगी कार की। एक होता है भाई खर्चे करवाने वाला, एक होता है उंगली करने वाला दोस्त, तो प्लीज़ उसकी मत सुनना, बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि वो गलती मैं कर चुका हूँ और उस गलती की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा कार के लिए बहुत परेशानी होती है। क्योंकि मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा मेरे कार में कौन से टायर डले हुए हैं, पहले कौन से थे और मेरे को क्या परेशानियां हो रही है अभी। तो आपको पता है मेरी गाड़ी जो है वो अल्टो है, और अल्टो के अंदर कंपनी से जो स्टॉक टायर्स आते हैं वो होते हैं ये, देखो एक बार यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, टायर साइज़ 145 ATR 12। बट मेरे केस में क्या है कि मैंने जो गाड़ी है वो सेकेंड हैंड ली थी, तो उसमें मुझे जो टायर्स लगे हुए मिले थे वो थे 13 इंचेस के अलॉय डले हुए थे, कंपनी से स्टील रिम आते हैं, बट मेरी गाड़ी में जो थे मैंने सेकेंड हैंड ली थी, तो उसमें बंदे ने जो भी था ओनर, पहला पिछला ओनर जो भी था, उन्होंने अलॉय डलवा रखे थे, वो थे 13 इंचेस के। बट और उसके अंदर जो टायर लगे हुए थे वो थे 165, एक सेकंड मैं देखता हूँ, हाँ 165 और 65 R13। बट वो टायर बिल्कुल ख़त्म थे, बिल्कुल ही ख़त्म थे, वो बिल्कुल घिस चुके थे, कोई टायर कहीं से कटा हुआ था, कोई ऐसा था, तो मैंने सारे टायर जो चेंज है अपने सारे चेंज करवाए थे। ये देखो ये ब्रांड न्यू डले हुए हैं इसके अंदर ये टायर, वो चारों देख सकते हो ये सारे ब्रांड न्यू डले हुए हैं, ये सारे ब्रांड न्यू, अभी ज़्यादा चले भी नहीं हैं। तो मैंने इसके अंदर गलती क्या कर दी, मैंने वही डलवाने थे टायर 165 60 R13। बट वो मैंने बताया था ना, वो दोस्त होता है खर्चे करवाने वाला, तो उसकी मैंने सुनी, एक्चुअली मैंने उसकी भी नहीं सुनी, हम गए शॉप पे, उन्होंने मैंने सेलेक्ट किए 165, हाँ मैंने सेलेक्ट किया 165 60 R13। बट मेरा ध्यान नहीं, फिर मैं गाड़ी छोड़ के आ गया वहाँ पे, मैं कहा चलो ये फ्रेंड जो है मेरा वो गाड़ी ले आएगा। तो शाम को जब वो गाड़ी लेके आया, एक दो दिन चलाई मैंने, उसके बाद मेरा ध्यान गया कि भाई ये क्या हो गया, एक बार देखो, ये देखो, अगर ये देखो यहाँ जो टायर डले हैं वो डले हैं 175 60 R13, ये दूसरा टायर 175 60 R13, और ये देखो तीसरा टायर जो है हमारा कहाँ गया, ये रहा, अब सीधा है, ये देखो 175 60 R13, और चौथा जो टायर है ये रहा 175 60 R13। बस ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने सामने टायर चढ़वाए नहीं, उस वजह से बहुत बड़ी गलती होगी मेरी, मिस्टेक होगी, क्योंकि इससे जो परेशानी मेरे को राइज हो रही है वो ये है। ये देखो अगर आप इस एंगल से देखोगे, देखो टायर कितना बाहर है, इतना टायर बाहर है ना, तो अगर यही टायर्स जो हैं मेरे 165 के होते, 165 mm के चौड़े, तो उससे क्या होता ना कि थोड़े से तो अंदर होते, बट होते 10 mm, बट थोड़े से तो अंदर हो जाते, उस वजह से मेरे को परेशानी अब ये आ रही है। ये देखो ये गाड़ी मैंने आज धोई है, बिल्कुल साफ़ आज धोई है मैंने, खुद धोई है अपनी,
यहाँ किसी का टैंकर खड़ा था तो मैंने उसमें से पानी निकाल के धो लिया, बट बस मैं थोड़ी दूर लेके आया उसको चला के, और ये देखो ये इतने गंदा कीचड़ लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कीचड़ जाता है, और इस टायर का भी कीचड़ उठ के ऐसे आता है, वो पता नहीं मुझे कैसे आता है, बट बस ये मेरे को परेशानी हो रही है सबसे ज़्यादा। और ये देखो ये तो बहुत गंदे हो जाते हैं हमारे ORVM से जो साइड के, ये बहुत गंदे होते हैं, ये थोड़ा सा साफ पड़ा है बट वो, और वो गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। सिर्फ किस वजह से, जो टायर की हमारी जो विड्थ है वो 175 है, उस वजह से वो गंदे होते हैं। सिर्फ मैंने कहा था कि चलो भाई थोड़े से हल्के से चौड़े डलवाएंगे, मैंने 165 सेलेक्ट किए थे, बट जो मेरा दोस्त है उसने पता नहीं क्या किया, उसी रेट के अंदर उसने 175 डलवा दिया, तो मेरे को बस अभी यही परेशानी हो रही है। और मेन तो बस यही दिक्कत है इस कार की, बाकी कोई नहीं है, बाकी तो बस यह थोड़ा सा पेंट उतर रहा है क्योंकि पुरानी गाड़ी है, इतना पुराना मॉडल हो चुका है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है इतना टेम्परेचर कोई क्या क्या चेंज होता रहता है, पानी से अलग अलग पानी से धुलती रहती है, और उस वजह से इसका जो पेंट है वो कई कई जगह से थोड़ा सा छूटने लग रहा है। तो अब मैं बताता हूँ, जो इसके अंदर पहले टायर थे वो थे 165 ही थे, मेरे को अभी इतना याद नहीं रहा, बट हाँ जहाँ तक मुझे याद है 165 के टायर थे, मैंने वही सिलेक्ट किए थे कि वही डालना, JK के सिलेक्ट किए थे, JK अल्टीमा स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं वो किए थे मैंने 165 सिलेक्ट, बट जो मेरा फ्रेंड है उसने, उसको मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उसको कहा कि भाई तू ले आइयो गाड़ी, मैं घर पे जा रहा हूँ, और बस उसने ये सारा कांड कर दिया। अगर ये टायर थोड़े से अंदर होते ना मेरे को इतनी परेशानी नहीं होती, अभी इतनी मिट्टी इतना कीचड़ उड़ता है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ उड़ता है, मेरे को बार बार साफ़ करनी पड़ती है, कई बार तो मन भी नहीं करता साफ़ करने का, ये तो अभी धुली हुई है इसलिए इतनी साफ़ लग रही है, बट अगर किसी ने देखी हो, मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, अगर किसी ने ये गाड़ी देखी हो मेरे 8064 CS03Y8064 नंबर की, तो भाई मेरी गाड़ी है वो, यहाँ पीछे लिखा भी हुआ है मैंने, देखो वो पीछे बैक में मैंने लिखा भी है माशु वोली फ्लॉक्स, अगर ये गाड़ी दिखती है तो भाई मेरी गाड़ी है वो, और इसको कभी देखना आप जब ये धुलती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम धोता हूँ अपनी गाड़ी, यार गंदी इतनी हो जाती है ना मन नहीं करता धोने का, बहुत फिर गंदी हो जाती है, धोएंगे उसके बाद ही थोड़ी सी दूर चलाओ फिर गंदी हो जाती है, तो फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता धोना। अब मैं टायर, मैं सोच रहा हूँ क्या चेंज कराऊँ यार, ब्रांड न्यू टायर्स है, वो आधे रेट देगा मेरे को, अगर मैं एक्सचेंज भी कराऊँगा मेरे फालतू के पैसे लगेंगे, तो मैं कहा चलो ठीक है अब यही चलाते हैं, क्या करें जब तक घिसेंगे नहीं, पूरे अच्छे से लगाते हैं इन टायर को और यही का यही टायर चलाते हैं। और वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि भाई अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो अपने हिसाब से डलवाओ, जो टायर हैं वो बॉडी के अंदर ही रखो, ऐसे टायर डलवाओ जो बॉडी के अंदर अंदर ही रहे, जैसे कंपनी फिटेड आते हैं वैसे डलवाओ, तो वो आपको माइलेज भी अच्छी देंगे और जो स्टेबिलिटी भी गाड़ी की बढ़िया रहेगी और आपका पेट्रोल भी कम खाएगी वो, यही है माइलेज का मतलब, हाँ यही होता है ना कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी रहेगी आपकी हमेशा के लिए। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, सॉरी कि मैं वीडियोस लेट पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं तो उस वजह से वीडियो और भी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी, और बाय।